यहाँ पे झारखंड सरकार ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों कोरोना से बचने के लिए जो है झारखंड में लॉकडाउन अभी भी जो है जारी है, और जारी होने के साथ ही कुछ दुकानों को दोस्तों खोलने के लिए जो है छूट दिया गया था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कुछ ही दुकानें जो है मार्केट में ओपन हो रहे होंगे, उनमें से दोस्तों नहीं खुलने वालों से जो है आप देख रहे थे कि जूता कपड़ा और यहाँ पे दोस्तों होटल और सैलून सैलून जो है सिंगार, ये सारी दुकानें जो है दोस्तों नहीं खुल रहे थे। पर तो दोस्तों रिपोर्ट आ गया कि आज से दोस्तों जूता और कपड़ों की दुकानें खुलेंगे, बाकी इसमें अभी भी दोस्तों सारे दुकानें खुलने का जो है रिपोर्ट नहीं आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा चीज़ जो है बताया जाएगा, कौन से दुकानें खुलेंगे और कौन से दुकानें नहीं खुलेंगे, और खुलने अगर खुलेंगे तो क्या क्या रेगुलेशन जो है पालन करने पड़ेंगे दुकानदारों को। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का रिपोर्ट आप लोग के लिए लेके मैं आते रहता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ मंजीत और यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ रिपोर्ट जो निकल के आई है, ये दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गया, फिर भी मैं आप लोग के लिए मैं सूचना आप लोग को मैं डाल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग, झारखंड में कल से खुल जाएंगी जूता कपड़े की दुकानें, अधिसूचना जारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कपड़े और जूता की दुकानें खुलेंगे, सैलून अभी नहीं खुलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है कपड़े की दुकानें और नहीं खुलेंगे, सैलून जो है अभी नहीं खुलेंगे। ई कॉमर्स को अभी राज्य में व्यापार की इजाज़त नहीं है, यानी कि ई कॉमर्स का भी काम अभी नहीं चलेगा। मॉल मॉल सिनेमा हॉल को भी अभी खोलने की इजाज़त नहीं है, यानी कि दोस्तों मॉल में भी अभी आप नहीं जा सकते, यानी कि मॉल अभी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें, तो दोस्तों ये सारे अभी नहीं खुलेंगे। ओनली कपड़ा जो है कपड़ा और जूते की दुकान को जो है यहाँ पे अनुमति दी गई है। रांची में 19 जून से जूता और कपड़ों की दुकानें खुल जाएंगी, इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, सरकार दी है। इसी के तहत राज्य सरकार ने दुकानदारों को खोलने का निर्णय लिया है, मगर इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। यानी कि सभी दुकानदारों को दोस्तों यहाँ पर गाइडलाइन आपको पालन करना होगा, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, वहीं कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं। बता दें कि 2 जून से राज्य में सरकार ने कई क्षेत्रों में छूट दी थी, मगर जूता कपड़ा सैलून समेत कई दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं थी। इस बात झारखंड चैम्बर ने भी विरोध जताया था, कई विधायकों ने भी व्यवसायियों की परेशानी को सरकार तक पहुंचाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्लियर बात निकल के आ गई है कि यहाँ पे जो है आज से कपड़े दुकान के आप शॉपिंग कर सकते हैं, जूते का भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और भी अपने दोस्तों को बताने के लिए दोस्तों वीडियो को आप व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।